हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ऐसे 10 देश जिसमें आप पैक्ड फूड का एक्सपोर्ट करके 300 टाइम्स मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पैसा कम है तो एक चीज याद रखें, पैसा कम लगाएं या पैसा ज्यादा भी है तो भी कम लगाएं। जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे, प्रॉफिट होए, तो उस प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस में लगाएं। दूसरी बात, मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है, बहुत कम पैसे से, बहुत कम सामान से भी आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ सकते हैं, वो वीडियो जरूर दिखे दोस्तों। पहले आपको क्या करना है, बहुत कम पैसा लगाना है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है दोस्तों, और जो पैसे से प्रॉफिट हो उसको री इन्वेस्ट करना है। सेकंड, आइलैंड कंट्री, जितने भी टापू देश हैं दोस्तों, वहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कीजिए। होटल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है, वहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मॉल, एक या दो मॉल से आप बात करके वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखिए, क्योंकि मॉल में ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं चाहिए होता, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते दोस्तों। अब टाइप ऑफ फूड, कौन कौन से पैक्ड फूड है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पैक्ड फूड में दोस्तों एप्पल है, पैक्ड जो चिप्स है दोस्तों, सूखा ड्राई एप्पल चिप्स, पोटैटोज है दोस्तों, पोटैटोज का जो चिप्स होते हैं वो है दोस्तों, राइस है दोस्तों, बॉक्सिंग बॉक्स के अंदर रखते हैं दोस्तों, कुछ फ्रोजन पिज़्ज़ा हम एक्सपोर्ट कर सकते दोस्तों, सीरियल है वो एक्सपोर्ट कर सकते दोस्तों, कैंस कैन जो होती है दोस्तों, टोमेटो सूप उसको एक्सपोर्ट करके भेज सकते हैं दोस्तों एग्स होता है, एग्स का कर्टन भेज सकते हैं दोस्तों, मिल्क होता है, मिल्क के जो डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं उसको कैन में एक्सपोर्ट करके भेज सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ हम एक्सपोर्ट करके दोस्तों भेज सकते हैं। किन किन देशों में दोस्तों पैक्ड फूड में, हमेशा दोस्तों याद रखें, जिस देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, उसमें जो प्रिजर्वेटिव मिला हो वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ज़्यादा प्रिजर्वेटिव अगर हुआ जिससे वो ख़राब ना हो, प्रिजर्वेटिव का मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, वो ख़राब नहीं होते, वो प्रोडक्ट्स पैक्ड फूड ख़राब नहीं होते दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखें, जिस देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस देश के प्रिजर्वेटिव स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। आप कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये चीज़, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, स्लोवेनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, फिनलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हंगरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, स्विट्जरलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, थाईलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ब्राज़ील में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पेरू में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पैराग्वे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, अर्जेंटीना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखें, मैंने पहले बताया कम से स्टार्ट करें, लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। सेकंड क्या है, आइलैंड कंट्री को टारगेट करें। थर्ड क्या है दोस्तों, होटल को टारगेट करें। फोर्थ क्या है दोस्तों, जितने भी मॉल्स हैं उसके अंदर पैक्ड फूड को, एक या दो मॉल के मैनेजर से आप बात कर लें और उसमें पैक्ड फूड आप रख दें, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की बहुत ही अमेजिंग जानकारी हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में दी जाती है, आप उस पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आइए और ऐसी बहुत अमेजिंग जानकारी लीजिए। अगर आप में कुछ करने का डिटर्मिनेशन है तो हमारी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू शेयर कीजिए दोस्तों। पुराने वीडियो जरूर देखिए, 190 से 200 कंट्री के बारे में बहुत ही अमेजिंग नॉलेज दे रखी है दोस्तों। अब दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो डॉक्टर, मुझसे कॉल कीजिए, उन नंबरों पे मुझे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए दोस्तों, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।